नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर शहर के नगर परिषद कांटा गेट परिसर से निकला जन आक्रोश मोर्चा, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के गगनभेदी नारे लगाते हुए शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए फूटी दीवार, बस स्टैंड से होते हुए पुलिस स्टेशन के सामने नारेबाजी व घोषणाबाजी करने के पश्चात ईवीएम मशीन को बंद कर देश में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग को लेकर आज ये मोर्चा निकाला गया, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता सामूहिक रूप से ईवीएम मशीन का विरोध दर्शाते नजर आए हैं। मोर्चा समाप्ति के दौरान एक लिखित निवेदन तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, प्रधान गृह सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली को दिया गया है। जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। रवि विनायक मिश्रा, मैं गोकुल नगर वार्ड का रहवासी हूँ। मैं इसमें और आगे बोलना चाहूंगा कि जो बड़े संघर्ष से हमें राजनीतिक आजादी मिली थी, राजनीतिक जो चीज मिली थी, उस चीज़ के माध्यम से, राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से हम सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय यह प्राप्त करने वाले हैं। अगर राजनीतिक न्याय अगर हमारा ख़त्म हो जाता है तो फिर देश, हम भारत के लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं रही, राजनीतिक न्याय नहीं रहा, तो हम दोनों चीज़ें, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, यह प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने आज का दिन ये चुना था ताकि आज जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का आज डिसीजन आना था, इसलिए हमने आज की ये 6 तारीख चुनी थी ताकि फिर से लोकतंत्र मजबूत हो। अगर वो लोकतंत्र के पक्ष में आता है तो आधी लड़ाई हम जीत जाते हैं और आधी लड़ाई हम जनता लोकतंत्र को बचाकर अवश्य जीतेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।